नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट की बात में। तो जैसे कि आप सभी ने टाइटल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उषा का जो ये टोस्टर आता है इसके बारे में। आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और आपको इसमें जो है ब्रेड जो है सेक करके भी दिखाएंगे कैसे इसमें जो है ये ब्रेड जो है तैयार होता है। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उषा का ये जो टोस्टर है ये देखिए 700 वाट में ये रहता है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है और फ्री होम सर्विस इसमें रहती है। ये देखिए इस तरह का जो मैंने ये रिलायंस जो ऑनलाइन ऐप है रिलायंस का, वहाँ से जो है मैंने इसको मंगाया है। और ये देखिए इस साथ में इसके बारकोड वगैरह सब आते हैं। ये देखिए इस तरफ से ये देखिए ये उषा का टोस्टर। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। तो चलिए इसको जो है अनबॉक्सिंग कर देते हैं एक बार। और आपको इसमें जो है टोस्ट सेक करके दिखाएंगे कैसे जो है इसमें ब्रेड तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है इसकी जो है ये अभी देख सकते हैं इस तरह से इसकी पैकिंग आई है। ये मैनुअल जो है साथ में आया है। ये देखिए ये उषा का इसका मैनुअल की कैसे इसको जो है यूज़ करना है। ये देखिए पॉपअप टोस्टर मॉडल PT3720। और अब इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए देखने में इस तरह से जो है ये आपको ये रिसीव होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल सेम, ये देखिए उषा मॉडल नंबर PT3720। ये देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए नीचे करने का है, ये इसका पावर कितनी आपको कम ज़्यादा करनी है। और इधर ये ब्रांडेड लोगो और ये स्कैनर, इसका जो है बार कोड स्कैन के लिए इधर दिया जाता है। और इधर ये नीचे की तरफ एक ये इधर ये देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये इस साइड है। ये देखिए ये एक ट्रे है, जैसे वेस्टेज आपके पास ब्रेड का जो भी वेस्ट होता है कई बार भुरता रहता है तो इसमें आके नीचे गिर जाएगा, आप इसको यहाँ से जो है निकाल करके और उसको बाहर फेंक सकते हो इस तरह से। यहाँ से निकल जाता है पूरा, उसको आप ऐसे डाल दीजिए वापस। और आपको जो इसमें ब्रेड रखने हैं और इसको जो यहाँ से नीचे करना है, ये देखिए, और जितना आपको यहाँ से ब्रेड को गर्म करना है 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जो आपको एक जो है ब्रेड जो है सेक करके भी दिखाएंगे। लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध, यदि आपने हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार जो है आपको दिखाते हैं, एक बार इसको मैं सेट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है इसमें टोस्ट बनते हैं। तो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है पावर से जो है इसको कनेक्ट कर दिया है और अब मैं आपको जो इसमें टोस्ट करके दिखाऊंगा कि आप इसमें जो है किस तरह टोस्ट करते हैं। ये देखिए, और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसमें टोस्ट करते हैं। आप दोनों ब्रेड जो है एक एक करके जो है इसमें रख दीजिए। देखिए मैंने दोनों ब्रेड जो है रख दिए हैं इसमें, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से जो है सेम रखने हैं इसमें टोस्टर में। और ये जो दो बटन है ये साइड में दिए गए हैं, ये कैंसिल का बटन है। इस कैंसिल के बटन से आप टोस्टर की जो प्रोसेस है इसको जो बीच में रोक सकते हैं। और जो ये 1 2 7 इधर दिया गया ये टाइमर है कि आपको कितना कड़क जो है ब्रेड यहाँ पर खाना है टोस्ट करके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये मिनट है कि इतनी मिनट तक जो आप इसको पकाओगे उतना कड़क आप खाना चाहोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये अब तैयार कैसे होगा। ये देखिए मैंने इसमें ब्रेड रख दिया है, अब आपको यहाँ से जो है टाइमर को सेट कर देना है कि कितना आपको जो है टोस्ट खाना है, कड़क खाना है, कितना खाना है। जैसे मैंने इसको 3 पर कर दिया है और 3 पर कर दिया, अब इसको देखिए इसको चलाने का प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया गया। कई बार जो है कस्टमर जब इसको रिसीव करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि आप जो है कैसे यूज़ करोगे इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इसको ब्रेड को इसके अंदर रखेंगे और इसको जो है रखने के बाद ये देखिए स्प्रिंग नुमा ये दिया गया, इसको आप नीचे कर दीजिए। ये देखिए
ये चल गया है और ये देखिए ये ब्रेड जो है टोस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये प्रोसेस इसका रहता है और जितने आपको गर्म करने हैं, जितने आपको टोस्ट करने हैं, उस हिसाब से जो आप इसको टोस्ट करके खा सकते हो। तो ये छोटा सा डेमो आपके लिए मैंने दिया, इसकी अनबॉक्सिंग भी की और आपको जो है ब्रेड जो है बना करके भी दिखाया है। इस तरह से जो है आप इस उषा का जो है ये टोस्ट है इसको जो है यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दिया है, इधर 1 to 7 दिया गया है, कितनी देर तक जो है टाइमर है इस हिसाब से आपको जो है कितना कड़क खाना है उस हिसाब से जो आप इसको गर्म कर सकते हो और अपने हिसाब से जो है इसको गर्म करके आप खा सकते हो। ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही आसान तरीका है इसको टोस्ट करने का और बहुत ही लाजवाब जो है इसमें वैरायटी बनेगी, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी कैसे जो है इसमें बनता है टोस्ट। एक बार जो है मैं इसको बीच में कैंसिल करके देखता हूँ, ये जो बटन रेड वाला आपको दिख रहा है जहाँ पर ये लाइट जल रही है कैंसिल का बटन है, मैं कैंसिल करके जो इसको देखना चाहता हूँ कितने जो है टोस्ट पक चुके हैं। जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे ये देखिए ब्रेड जो ऊपर आ गए हैं, ये देखिए, ये मैं एक बार ब्रेड देखना चाहता था, ये मैं वापस इसमें जो है ब्रेड को डाल देता हूँ। मैंने सोचा कभी ज़्यादा जो है पक ना गए हों ये, और मैंने इसको वापस जो है नीचे कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है देख के भी इसको जो है पका सकते हो, कि बीच में यदि आपको कैंसिल करना है तो आप इसको देख करके भी बीच में कैंसिल कर सकते हो। इस ये जो लाइट जल रही है रेड बटन वाला जो ये बटन है इसको दबा करके, तो अभी जो है ऑटोमेटिक ही जितना आपने टाइमर इसमें सेट किया है उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक ही जो ऊपर आ जाएंगे जितने भी आपने टाइम के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। तो ये देखिए ये जो है मैंने बीच में ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई ज़्यादा जो है पक चुके हैं। तो आप इस हिसाब से जो है अपने हिसाब से जो है टाइमर को सेट करके जो है इसको अपने हिसाब से जितना कड़क खाना चाहते हो उस हिसाब से जो है आप इसको सेट करके जो है अपने ब्रेड को खा सकते हो। और यदि आप चाहते हो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हमारे चैनल प्रॉफिट की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।